हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए धमाकेदार व्लॉग के अंदर। और मैं हूं राहुल, आपका छोटा भाई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहुल जांगड़ा व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं नैनीताल और अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूं नैनी झील के पास में। तो आज मैं आपको इस व्लॉग के अंदर सारी डिटेल बताऊंगा, इसमें ए टू जेड डिटेल आपको नैनी झील के बारे में बताऊंगा, इसको क्यों नैनी झील कहा जाता है और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपका क्या खर्चा होता है, और आपका सारी डिटेल आज मैं आपको इस व्लॉग के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपना व्लॉग शुरू और अब बने रहिए मेरी इस वीडियो में लास्ट तक। अच्छा, क्या आगे से घुमा के लाते हैं? और अच्छा, कर जो वो है वो वहाँ से जो घूम के आ रही है बोट, यहाँ देखिए ये बतख दिख रहा है। हाँ हाँ, बतख ये आगे की तरफ जो गई हुई है बोट, वो उधर का 210 का घूम के आया। ये बोट जा रहा है ना सीधा, हाँ, वो मंदिर जाएगा, मंदिर के आगे से घुमा के लाते दादा। उसमें तो जो सबसे लास्ट में वो बोट गई हुई है, बिल्कुल लास्ट में का बोट उधर चलता है। ये बोट स्टैंड तल्लीताल है ना? हाँ, वो बोट स्टैंड मल्लीताल है। अच्छा, तल्लीताल और मल्लीताल वो अलग अलग है, डिवाइड एरिया, डिवाइड एरिया। आप वहाँ से आओगे तो आधी झील तक आओगे, यहाँ से जाओगे तो आधी झील। हाँ, 210 है ना? ठीक है, तो फ्रेंड्स 160 में आधा चक्कर है और 210 में पूरा चक्कर है। तो अभी फिलहाल चलो बीच भी चलो। अभी मैंने बोट के अंदर बैठ चुका हूँ, ये देखिए लक्ष्मी डिलक्स के नाम से है। तो गाइस, बोट में तो मैं बैठ चुका हूँ, देखिए क्या देगी। एक सेकेंड, तो फ्रेंड्स मैं रेडी हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल चुके हैं लेक में, देखिए यहाँ पे काफ़ी नज़ारा अच्छा है, और इनका ये पूरा चक्कर है 210 रुपये और आधा चक्कर है 160 रुपये। भैया से एक बार बात कर, भैया आपका मोहन, मोहन रहने वाले कहाँ के हो? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जी। ये लगभग कितने किलोमीटर का रूट है ये? 4.5 किलोमीटर रोड है। 4.5 किलोमीटर का ऐसे राउंड में, ऐसे राउंड लगाते हैं तब? 4.5 किलोमीटर और लंबाई में 1.5 किलोमीटर राउंड। अच्छा, तो अभी फिलहाल जबरदस्त नज़ारा है। यहाँ पर बोटिंग अपनी उसकी मोटर वाली भी होती है? नहीं नहीं, यही है, एक शिकारा बोट चलता है, सिर्फ यही चलता है। हाँ, एक बोट चलता है वो पैडल बोट, जो कुछ सेल पकड़ना पड़ता है। अच्छा, पैडल वाला। हाँ, दो बोट है बस यहाँ पे। अच्छा, वो वहाँ पे डक वाली जो बतख वाली रखी हुई है, डक वाली, ड्रैगन वाली, उनका क्या किराया है? उनका भी 160, 2 मेंबर का, 4 मेंबर का, 210 भी, सभी सेम है प्राइस, प्राइस तो एक ही है दोनों का। तो अभी फिलहाल आप ये देखिए, इधर का ये सारा कुछ नज़ारा आप देख पा रहे हैं। अभी मौसम ठंडा कब होता है यहाँ पे? नवंबर से स्टार्ट होता है। अभी उस साइड सामने पीछे सामने की तरफ धूप निकल रही है। हाँ जी, यहाँ मौसम ऐसे रहता है, बदलता रहता है, कहीं बादल होते हैं, कहीं धूप होती है। अच्छा, बदलता मौसम है यहाँ का, नैनीताल का। और यहाँ से जो ट्रॉली चलती है वो किस साइड से चलती है? अच्छा, वहाँ उस साइड में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहाँ से कहाँ तक जाती है वो ट्रॉली? अच्छा यार फ्रेंड्स, मज़ा आ गया। तो अभी मेरे को यहाँ से ये वाला पूरा अपना बोट वाला कंप्लीट करके, ये तल्लीताल और वो मल्लीताल, ये तल्लीताल और वो मल्लीताल है ना, वहाँ के मल्लीताल के लिए कहाँ से जाना पड़ता है? वो जाना है तो जाओ माल रोड से, जाओ ठंडी रोड से, जाओ कहीं जाओ। अच्छा, माल रोड से जाओ या फिर ठंडी रोड जाओ? ठंडी रोड, हाँ, दोनों रोड है। तो ये मल्लीताल और तल्लीताल क्यों रखा गया नाम? ये नीचे का हिस्सा ना भैया, तल्लीताल बोलते हैं। अच्छा, ऊपर का हिस्सा, अच्छा वो ऊपर की तरफ जा, हाइट पे जाता है नाम, वो इनके नाम जैसे कि तल्लीताल मल्लीताल बोलते हैं, पूरा तो नैनीताल ही है। अच्छा, और लेकिन तल्लीताल मल्लीताल नाम जगह का नाम हो गया है।
और ये नैनीताल क्यों बोला जाता है? नैना माता के नाम से। नैना माता का लेक है। कौन सा वाला है नैना माता का लेक? यही है। अच्छा यही वाला लेक है, वो जो आँख की तरह बना हुआ है। नैनी झील बोलते हैं। अच्छा तो नैनी झील भी बोल सकते हैं, तल्लीताल और मल्लीताल भी बोलते हैं। तल्लीताल जगह का नाम है ना? सिर्फ जगह के नाम हो गए स्पोर्ट के। ये जिस एरिया में आप घूम रहे, तल्लीताल में घूम रहे हैं। अच्छा ये देखिए बाहर से भी लोग काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पर। और अगर आपको इस यहाँ पर नैनीताल में आ रहे हैं और नैनीताल के अंदर अगर आपने बोटिंग नहीं की तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ का एक अलग ही नज़ारा है, अलग ही मज़ा है यहाँ का। ये देखिए काफ़ी अच्छा कपल एक बैठा हुआ है। ये नगर पालिका परिषद वाले देते हैं ये सारा उसके लिए? अंडर में ना? अच्छा उनके अंडर में है ये। ये कौन सा मंदिर है यहाँ पे? ये हनुमान जी और पाषाण देवी है। हनुमान जी और पाषाण देवी मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर है, तो माता। तो दोस्तों यहाँ पे एक हनुमान जी का और पाषाण देवी का मंदिर भी है। काफी अच्छा व्यू है यहाँ से देखने को। ये देखिए इस राइट साइड में ये सारे होटल हैं या घर है? होटल है। अच्छा ऊपर घर है और नीचे होटल है। लगे हुए जो है होटल है। अच्छा ऊपर भी बाकी घर है लोगों। तो नैनीताल में आने के बाद यहाँ लेक में भी आना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर अगर जैसे हमें सबसे टॉप पे जाना हो नैनीताल में, हाँ। तो उसके लिए कहाँ से जाना पड़ता है? यहाँ से टिफिन टॉप है, एक टिफिन टॉप बोलते हैं। हाँ साइड पड़ता है, एक वो डायनामिक टॉप बोलते हैं। अच्छा दो टॉप बोलते हैं, जहाँ पर 2-2.5 किलोमीटर की राइड पैदल जाना पड़ता। कितना किलोमीटर? 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो यहाँ से हम जाएँ तो कैसे जाना पड़ेगा? टैक्सी कर लो, ये तल्लीताल से ले लें। हाँ अच्छा यहाँ से टैक्सी कर लें। उधर से फिर आपको हॉर्स राइडिंग भी जाना पड़ेगा, फिर पैदल वॉक करना पड़ेगा। हॉर्स राइडिंग का है 8-10 टिफिन टॉप। अच्छा तो ये देखिए इधर का वो तल्लीताल है उधर जहाँ से हम निकले थे, और वहाँ से अभी घूम कर वापस उधर की तरफ जाएंगे। और ये वाला कौन सा है? कौन सा यहाँ पे, ये कौन सी जगह? ये तल्लीताल में आता, आधा तल्लीताल में आता ना। अच्छा बाकी जगहों का नाम अलग है, ऊपर पहाड़ों के नाम। तो सबसे ऊपर वाला जो टॉप वही है वो वहाँ पे दिख रहे थे हैं? चाइना पीक। अच्छा आपको अच्छा पूरा कवर होगा। और जो यहाँ से ऊपर से जो अपना वो जाती हैं ट्रॉली जो जा रही है अभी, हाँ हाँ जाता वो टावर तक, वो सबसे ऊपर की तरफ जो टावर है। नहीं ये टावर है। अच्छा स्नो पॉइंट बोलते हैं। अच्छा इस टावर से नीचे आती है। अच्छा रेड रेड टावर लगे ना, रेड वो रेड टावर। अच्छा 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 ठीक है, ये जो वायर आ रही है पूरी तार आ रही है जो नीचे। अच्छा 3-3.5 से टिकट है इसका। अच्छा यार काफी खूबसूरत नजारा है वैसे यहाँ पे। और बाकी इसमें रहने के लिए होटल वगैरह सारे आसपास हैं? सारे हैं, किनारे किनारे माउंट लोटे किनारे किनारे हैं। अच्छा किनारे किनारे होटल से बने हैं सारे। सब रहने के लिए यार बहुत होटल हैं यहाँ पे। यहाँ पे कभी बोटिंग के टाइम पे यहाँ कभी ऐसा कोई हादसा वगैरह भी हुआ है क्या? नहीं ऐसा नहीं होता कभी, आज तक कभी हुआ है? बोटिंग नहीं होता ना भैया, आराम से पैसा के लिए जाते हैं, आराम से गाइडिंग के लिए जाते हैं, कुछ नहीं होता। तो ये जो बादल आप देख रहे हैं ये लेक में भी आ जाते हैं काफ़ी बार। और अभी फ़िलहाल हम पहुंचने वाले हैं अपने पॉइंट पे जहाँ से हम बैठे थे। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं वैसे ये ना। अच्छा ये देखें
मौसम यहाँ पे नॉर्मल ऐसा ही रहता है? अभी बदलता रहता है, बारिश भी आ सकती है किसी भी टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे बारिश का भी कभी भी आ सकती है, और जब भी आप यहाँ के लिए अपना रूट बनाएं तो अपने जैकेट ठंड के लिए, रेनकोट वगैरह बारिश के लिए, और ये चीज़ें अपने अम्ब्रेलाज वगैरह ये अपने कैरी करके रखें, क्योंकि इस जगह का कोई भरोसा नहीं है कब किस वक्त बारिश और ये ठंड का माहौल और गर्मी का कब किस वक्त हो जाए, तो इसका कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए अपना पहले इन चीज़ों को कैरी करके रखें यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो। इस मौसम में यानी कि अगर मैं सितंबर की बात करूँ तो सितंबर में यहाँ पे नॉर्मल मौसम है, जैकेट अगर आप कैरी नहीं भी करते हैं तो कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप ऊपर जा रहे हैं चाइना पीक वाले टॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैकेट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ठंडा मौसम हो सकता है और बारिश किसी भी टाइम आ सकती है। तो ये चीज़ आप कैरी करके चलें। फ्रेंड्स मैं पहुँच चुका हूँ अपने पॉइंट पर। ये देखिए पीछे यार अभी भी नज़ारा, मतलब मन नहीं कर रहा है उतरने का, लेकिन उतरना पड़ेगा। चलिए पहुंच चुके हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर अगले स्पॉट पे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू गाइज़।